आरपीओ जुनून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वार्ड 41 के हंसपुरम के 3C सेक्टर में है, जहां पर पब्लिक द्वारा जो मांग की गई थी, यहां पर जो कार्य है वो अनुचित रूप से जो है ठेकेदार जी के माध्यम से कराया जा रहा है। आप स्पष्ट रूप से कहेंगे, मैं कैमरामैन के माध्यम से कहूंगा कि जिसका सबूत आपके सामने है, ऐसे कार्य करने से मैं प्रकाशित करूंगा और इंडियन प्राइम न्यूज आपको दिखाएगा। ये देखिए, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, दिखाइए सर जी जरा, अपने कैमरामैन से दिखाएंगे। ये दीवार चली आ रही है, आप देखते आइएगा। ऐसे यशोदा नगर आवास विकास में अगर ऐसे कार्य हो रहा होगा तो मैं जो है इस न्यूज को नहीं चलाऊंगा, लेकिन अगर ऐसे कार्य हो रहा हो, देखिए आप यहां तक जो है बन के आई और यहां से देखिए पीछे से हट के चली गई। क्या ठेकेदार साहब के, क्या ये घर सगे सगा संबंधी का है या क्या दिक्कत हो रही है आपको? परेशानी ये है कि ये जो नाली है हमारी, ये समांतर होना चाहिए, मतलब बिल्कुल बराबर नहीं चलनी चाहिए, ताकि पानी का रुकावट कहीं ना हो। 22 साल बाद ये हमारी रोड बन रही है और बनने के बाद में व्यवधानपन हो रहा है, उसको ख़त्म करना चाहिए। ये मेरी आपसे भी गुजारिश है और ठेकेदार से भी गुजारिश है। देखिए क्षेत्रवासी भी परेशान हैं और देखिए माता जी से हम लोग पूछते हैं कि वो भी अपनी बात रखे स्पष्ट रूप से। ये नाली सीधी करवाओ, मतलब इसे पानी क्या आ रही है आपको? दिक्कत ये है, पानी भरेगा, यहाँ इतना पानी भरता था इसलिए तो अब ये इतने साल बाद तो रोड बन रही है। अब बताओ फिर भी मतलब नाली इन्होंने अपने उसमें, ये दमंग है, सबसे लड़ाई मारपीट करने लगती हैं तो इसलिए सब कोई डर जाता है, तो नाली इन्होंने तिरछा करवा दी, अपने मन का करवा लिया। ये देख रहे हैं साथ, मैं रामेश्वर मिश्रा, IPN न्यूज कानपुर।